Uh, Amir. In, uh, recently a, in an interview of Sunny Leone has become quite popular on the social uh, networking yeah. sites and you sorry, tweeted in who is support. that? Sorry, raise your hand. Yes. Yeah, so. let <laughs> her No, no do hai, ah, nahin, sorry, nah, I couldn't see her. Will you introduce yourself please? Uh, Prerna from Zoom. From Zoom. Okay, Prerna from Zoom has a question for all of us. Uh, for Amir, actually. No, so we are all hearing, everyone close your ears. जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे मुझे तकलीफ हुई और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा उनका जवाब था शायद नहीं वो वो बात भी मुझे लगी मुझे लगा कि नहीं ऐसा क्यों कह रही है वो तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की उनकी जो पर्सनल लाइफ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं आ, वो एक इंसान है वो एक औरत है और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे एक औरत के तौर पे और मैं यकीन है उनके साथ काम करना चाहूँगा तो okay. मैं इसमें यही कहूंगा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहे ये भी बात आ, एक और पॉइंट मैं मैं कहूंगा कि देखिए किसी की आ, प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है लेकिन आ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत कोई प्रोफेशन कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो कोई जरूरी नहीं है और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट्स के नाम पर कई बार हम लोग व्यवसाय का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं को कोई व्यवसाय जो है वो ज़रूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हों समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो तो आ, क्योंकि सवाल उसका उठा है तो मैं मुझे लगता है कि सनी uh, लियोनी जो का जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूं और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े कर करके उसको बेइज्जत करना मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता लेकिन इसका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उस, उस, लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि एक आ, ये तो एक ड्रग डीलर है इसका व्यवसाय है वो उसको उसका पर्सनल काम है तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं कि तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए पर वो उसका पर्सनल मामला है जहां तक बात रही जब वो मेरे सामने आएगा क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा नहीं क्या मैं उसका उसकी उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने वो शायद मे, मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा एटलीस्ट आई विल नॉट डू इट i would think that if there is certain there are certain professions which are not playing a constructive role in a building a great society we need to criticize uh, as well uh, i think that's a free society uh, people have choices to make uh, but if their choices are not great those also also needs to be criticized i think somewhere we have to draw a fine line it's not such a black and white subject that uh. we can you know